अरिहंत परमात्मा महाविजय क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही, उस परम पिता परमात्मा देवादिदेव क्षमा शर्मन त्रिलोकीनाथ, उस तीनों लोकों को एक साथ जानते और देखते हैं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। सातों नरक के नेरिए दुख भोग रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं। सब देखते हैं अपने अपने कर्म के अनुसार, वो कुछ नहीं कर सकते। किसी नरक के नेरिए को ऊपर नहीं ला सकते। जितनी आयुष्य है उतनी ही रहेगी। तीर्थंकर भगवान कुछ नहीं कर सकते। आप कर सकते हो? चार गति 84 लाख जीवा योनियों के जीव अपने अपने कर्म के अनुसार, उनको गति मिलती है, योनि मिलती है, आयुष्य मिलता है। कर्म पुण्य और पाप का खेल है। ये सारा जीवन, ये सारा संसार पुण्य और पाप के आधार पर है। और हम इस जिसका पुण्य है उसको क्या मानते हैं? ये बहुत भाग्यशाली है। इसको इसका पुण्य नहीं है, ये तो कुछ नहीं। और पुण्य और पाप क्या है? दोनों ही बेड़ियां हैं मोक्ष के लिए। मोक्ष जाना चाहते हो? जाना चाहते हो कि नहीं? अभी नहीं जाना चाहते, बाद में जाएंगे। अजी आप सिद्ध बुद्ध मुक्त वीतराग धर्म को अंगीकार करना चाहते हो तो आपके जीवन का एक ही लक्ष्य, एक ही उपाय, एक ही प्यास, एक ही पीड़ा, एक ही बेचैनी है। ये आत्मा जो जन्मों जन्मों से इस देह के कारागार में बंधी है, मुक्त हो जाए, मैं अपने घर चला जाऊँ। तुम्हारा घर कौन सा है? अपना घर यानी आत्मा। एक बात समझ लेना, मैं जो कुछ बोलूँगा बस आत्मा के बारे बोलूँगा, और आत्मा ही सत्य है। मैं नहीं बोल रहा, तीर्थंकर भगवंतों की वाणी बोल रही है। तीनों लोकों में, तीनों कालों में एक सत्य है कि तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। इस पर अटल श्रद्धा, इस पर विश्वास। कुछ भी हो जाए इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सम्यक दृष्टि। वो व्यक्ति सम्यक दृष्टि होगा, वो व्यक्ति को धर्म की शुरुआत होगी। यदि आपको अपनी आत्मा पर विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, और आपने आत्मा पर चलने के लिए आगे पुरुषार्थ नहीं किया तो समझो धर्म की शुरुआत नहीं की। तुम पुण्य और पाप के होता ना एक हिंडोले के चक्कर में, कभी पुण्य कभी पाप, कभी पुण्य और पाप। मैंने और आपने पुण्य और पाप ही कमाया है। इतना पुण्य कमाया है कि इस देवलोक तक चले गए, और इतने पाप कर्म भारी किए कि सातों नरक तक जा आए। ये भगवान की वाणी कहती है, सुन लो ज़रा। मैं और आप सभी सातवीं नरक तक जाके आए हैं। चक्रवर्ती 12 चक्रवर्ती हुए, चक्रवर्ती 6 खंड के राजा, कितनी रानियाँ, कितना ये भरत सारा एक खंड बनता है। और 10 चक्रवर्ती कहाँ चले गए? जिन्होंने धर्म अंगीकार किया, जिन्होंने आत्म धर्म का अंगीकार किया, 10 के 10 सिद्धालय चले गए, और 2 नहीं गए। उनको क्या प्यारा लगा? ये भोग विलास, देह के सुख प्यारे लगे, और कहाँ गए? वो सातवीं नरक में गए। कहाँ सिद्धालय और कहाँ सातवीं नरक?
क्यों गए भाई वो सातवीं नरक में, उन्होंने क्या किया और उन्होंने क्या किया, अब तुम हिसाब किताब लगाओ। चक्रवर्ती यदि वो धर्म अंगीकार करता है और चक्रवर्ती सब भोगता है तो मोक्ष जाता है। चक्रवर्ती की पटरानी बहुत सुख भोगती है पर कहाँ जाती है, कहाँ जाती है, क्यों जाती है, क्यों? उन्होंने देह को महत्व दिया, देह के सुखों को महत्व दिया, नहीं जा सकती। और दो चक्रवर्ती नहीं गए, क्यों? इतने युद्ध किए, इतना किसके लिए किया? देह के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, अपने मोह के लिए। राज्य का विस्तार किया, बहुत किया, बहुत किया, आखिर क्या गया? सातवें नरक। ये आईना है वीतराग प्रभु का, ये अरिहंत वाणी का, ये महावीर वाणी का आईना हमारे सामने है। यदि आप देह के सुखों में पड़ गए, तुमने होटल खरीद लिया, बड़े बड़े होटल खरीद लिए, वहाँ रहने लग गए, सुखमाल देह को बना लिया, तो कर्मों का बंधन, कर्मों का बंधन और कर्मों की नजरा तुम्हारे हाथ में इसी क्षण। यदि इसी क्षण आपने आत्मा को महत्व दिया, देह का उपयोग किया, तो कर्मों की निजरा। यदि आत्मा को गौण कर दिया और देह को महत्व दिया, मन को महत्व दिया, इंद्रियों को महत्व दिया, मुझे अच्छा भोजन मिले, मुझे खाना मिले, मेरी कोठी हो, मेरा पद प्रतिष्ठा बने, ये भाव से कुछ भी किया, चाहे दान पुण्य भी किया, तो कर्मों का बंधन। अब तुम्हारी इच्छा है, तुम क्या करना चाहते हो। ये जिन वाणी भाव पर आधारित है, तुम्हारा अंतर का भाव क्या आता है, अंतर का भाव क्या आता है। हम सभी संत सुबह सुबह जाते हैं एक एक दिन के लिए, और युवा मंडल सभी आते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि युवा शक्ति बहुत अच्छी चरणा जुड़ गई है। उन्हें निर्णय कर लिया कि 10 बजे के बाद ही हम अपना कार्य करेंगे, जब तक विहार होगा हम नहीं जाएंगे। भावना देखो, और कितने कर्मों की निजरा कर लेंगे। और उनमें यदि ये वो सोचें कि मेरा नाम नहीं लिया गया, मुझे पूछा नहीं गया, मुझे आचार्य जी ने पूछा ही नहीं गया, तो वो अटक जाएगा, नीचे रह जाएगा वो। कुछ करो, केवल अपने लिए करो, कोई नाम कोई पद प्रतिष्ठा गौण कर दो, तुम्हारा अपने आप नाम होगा। तुम केवल धर्म की प्रभावना के लिए काम करना, मैं इतना कहना चाहता हूँ। और केवल भाव बदल जाएंगे आपके। जो भाई बहन हम घरों में जाते हैं, बहुत सेवा करते हो, कल भी हम गए, हर जगह जाते हैं। आप लोग मकान खाली कर देते, सारा मकान खाली कर दिया, आहार पानी दिया, हाथ जोड़े, वो लोग क्या सेवा चाहिए, क्या चाहिए, सब कुछ क्यों करते हो तुम? क्या हम खराब कोई रिश्ता है आपके साथ में? क्या हम आपके भाई लगते हैं? क्या हम आपका? केवल एक महावीर का वाना है, इस वाणी की कदर करते हैं, और आप इतना प्यार देते हो, श्रद्धा रखते हो, सब कुछ करते हो, पर इसके साथ धर्म को मत भूल जाना। धर्म का मतलब देह को छोड़ करके आत्मा को मत भूल जाना, कि मैं आत्मा हूँ। और देह का उपयोग आत्मा के लिए करोगे तो अनंत कर्मों की नजरा शुरू हो जाएगी। और आत्मा को गौण करके, देह को सुखमाल करके, व्यक्ति को महत्व दोगे कि मेरा ये हो गया, वो हो गया, तो पुण्य तो मिलेगा, स्वर्ग मिल जाएगा, परंतु कर्मों की नजरा नहीं होगी। ये वीतराग दर्शन की मैं बात कह रहा हूँ आपके सामने, तो आप लोग, मैं देख रहा हूँ बहुत उत्साह है संघ में, बहनों में, भाइयों में, और हमने दोनों को जिम्मेदारी दी है। और एक 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 11 करके एक और जोड़ दो, 111, एक और जोड़ लो, कितने हो जाएंगे? 1111, एक और जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? और जोड़ते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ। ऐसी बहनें भाई मिल करके हम काम करें, और बहुत अच्छा मैं देख रहा हूँ, एक उत्साह, एक वातावरण, एक प्यार भरा वातावरण बन रहा है। बस हम उसका ये नहीं करना कि बस केवल धर्म के लिए काम, सच्चा धर्म, वीतराग धर्म, महावीर का धर्म, वो धर्म को समझो। तुमने धर्म को समझ लिया, चाहे तुम्हारी निंदा हो, प्रशंसा हो, तुम्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्या फर्क पड़ता है किसी के गीत गा लो? मेरे इतने गीत गाए जाते हैं,
तो कोई निंदा भी करता, ठीक है वो भी ठीक है ये भी ठीक है, क्या फर्क पड़ा, शब्द हैं दो। तो हम आत्मदृष्टि से जुड़ें। आत्मदृष्टि क्या है कि मैं आत्मा हूँ, अंतर से अनुभव करो। ये देह मिली है उपयोग करने के लिए, किसके लिए, धर्म करने के लिए, तप करने के लिए। ये धर्म के बारे में आपको जो युवाचार्य श्री जी ने बताया, श्री मुनि जी ने बताया, संघ के कार्यकर्ता ने बताया, एक अवसर, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, डायमंड अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास है। तुमने बहुत चतुर्मास करवाए हैं यहाँ, आचार्य भगवान देवेंद्र मुनि जी, उपाध्याय पुष्कर मुनि जी, उनके महान संत ध्यान योगी ताराचंद जी महाराज साहब, अमर सिंह जी, बहुत बड़े बड़े संतों के चतुर्मास, ये भूमि तीर्थ भूमि है, तारा गुरु ग्रंथालय है, पुष्कर भूमि, आपने बहुत कुछ किया है। मैं नहीं कहता कि नहीं किया, पर एक अवसर आया है अपने भीतर जानने का और देखने का। हम अपने आप को कैसे जानें और कैसे देखें, और अपने भीतर की अवस्था को क्या देखें। भीतर की अवस्था को देखने के लिए क्या करना होगा, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं क्यों आया हूँ संसार में, तीन बातें बस ये जान लो। कोई शास्त्र मत पढ़ो, मैं ये जान लूँ कि मैं कौन हूँ। आप कहेंगे मैं जानते हूँ, मेरा नाम, मैं घर की सदस्य, मैं पत्नी, मैं बेटी, मैं बहू, तुम जानते हो, मैं संघ का अध्यक्ष, मैं संघ का कन्वीनर, ये तुम्हारा परिचय नहीं है भाई। तो तुम्हें जिम्मेदारी दी है, तुम्हारा, तुम्हारी योग्यता को देख करके श्री संघ ने तुम्हें एक उस जिम्मेदारी को यदि आप धर्म के ढंग से निभा लोगे तो अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा कर लोगे। और यदि बीच में ईगो आ गया कि मेरा नाम पहले नहीं लिया उसका पीछे ले लिया, मुझे बुलाया नहीं गया, उस ये बातें कौन कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप मुझे कहो कि मैं प्रवचन ना करूं, युवाचार्य जी कर दें, युवाचार्य जी ना करें, श्री शिमुनि जी करते, मैं तो कहता हूं मुझे थोड़ा आराम करने दो। मैंने कहा मैं आराम करता हूं, कहते नहीं आपको चलना ही पड़ेगा, चलो भाई चलना तो चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं, तुम्हें एक जिम्मेदारी, जिम्मेदारी क्या मिली, हम सब धर्म करें। और धर्म कौन सा करें, किसी गुरु की परंपरा को हम विश्वास नहीं मानते, सब गुरु नीचे हैं। एक महावीर, इस महावीर ने 12.5 वर्ष की साधना, केवल आत्मा की साधना की, उस प्रभु ने तपाया इस देह को, तपाया। तुम कितना तपा पाओगे, कितना तपाओगे। और ये मांस का मन हमारे लिए नहीं मत करना, हम आपको कोई सोने की चैन नहीं देंगे। एक भाई मेरे पास आया, ऑफर दी, जितने मांस का मन होंगे सोने की चैन मैं दे दूंगा। मैंने कहा भाई हमने सौदा नहीं करना, सोने की चैन कम है तुम्हारे पास घर में, क्यों लालच दे तुम्हें सोने की चैन का, ये तो सोने की चैन का मांस का मन हो गया, हम नहीं करवाते भाई ना सोने की चैन, कुछ नहीं देंगे। हाँ संघ की भावना हो एक, आपका अभिनंदन कर देंगे, वो संघ की बात है, हमारा उसमें भी दखल नहीं है। हम कहो तपसा निर्जरा चय, तप केवल कर्मों की निर्जरा के लिए करो, मांस का मन करो, अनंत कर्म रजत हो जाएंगे। अरे सोने की चैन मिले कि नहीं, 10 ग्राम की मिली कि 25 ग्राम की मिली, कि छोटी मिली कि बड़ी मिली, तुम अटक जाओगे संसार में। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक शुद्ध आत्मा, देह भिन्न आत्मा भिन्न, देह के गुणधर्म अलग, आत्मा के गुणधर्म अलग। देह में 5 इंद्रियां, 6 मन, बुद्धि, संस्कार, धारणा, आत्मा एक स्वतंत्र अस्तित्व है तुम्हारा। आत्मा में राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, माया नहीं। ये सारा संसार देह का संसार है, आत्मा में कुछ नहीं, शुद्ध आत्मा है। जैसे जैसे आप
अपने भीतर प्रवेश करोगे, देह की आसक्ति टूटेगी, मोह माया कम होगा, कर्मों की नजरा शुरू होगी, विचार आएंगे चले जाएंगे, तुम विचार भी नहीं, मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, तुम आत्मा। अपने भीतर मंगल की कामना कीजिए, प्रत्येक प्राणी के लिए मंगल की कामना। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल हो, मन मानस में प्यार ही पुलकित पुलकित हो, रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो, रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल हो, जन जन मंगल हो, तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्जायानंग, नमो लोए सप्साउनंग, धम्म मंगल मुकीटम, अहिंसा संयमो तबो देवावी तंग नमंग संति, जस धम्म श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहू लोगोत्तम, केवली पनत्तो धम्मो लोगोत्तम, चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि, चारे शरण हरण जगत Oh,